एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड क्यूरियस। ऑब्वियसली फिजिक्स इज फॉर क्यूरियस वंस। मैं मोनिका श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर आई हूँ लेक्चर नंबर 2 इन द सीरीज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आज का हमारा लेक्चर है थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस पर। ये बिल्कुल फंडामेंटल थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक्स हैं जो मैं लेक्चर 1 से स्टार्ट कर चुकी हूँ। ये सभी कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस मैंने 11th एंड 12th NCERT से उठाए हैं जो कि बिल्कुल बेसिक से हैं एंड आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में आप सभी के कमेंट्स देखकर बहुत अच्छा लगा, यूं ही सपोर्ट करते रहिए। एक बार हम लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़े गए सभी लॉज को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में थर्मोडायनामिक्स के लॉज पढ़े थे जो कि कुछ ऐसे हैं। जीरोथ लॉ, थर्मल इक्विलिब्रियम इज ट्रांजिटिव। फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का था, एनर्जी इज कंजर्वड, इट्स फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड। सेकेंड लॉ था एंट्रोपी वाला, एनर्जीज कैन फ्लो एंड इक्विलिब्रेट। एंड थर्ड लॉ जो है, जो कभी कभी सेकेंड लॉ में ही मिक्स हो जाता है, जो कि है ड्राइविंग फोर्स फॉर इक्विलिब्रेशन यूनिकली डिफाइंड। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस जो कि हैं आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वी कांस्टेंट होता है यानी सम आयतनी प्रक्रम, आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें पी प्रेशर कांस्टेंट होता है सम दाबी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है सम तापी प्रक्रम, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी एस कांस्टेंट होती है सम एंट्रोपिक प्रक्रम, इसे रुद्धोष्म प्रक्रम भी कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, एंड साइक्लिक प्रोसेस जिसमें इंटरनल एनर्जी यू कांस्टेंट होती है, आंतरिक ऊर्जा यू कांस्टेंट होती है यानी चक्रीय प्रक्रम। एक छोटा सा नोट है, आप भी नोट कर लीजिए, ये हम सभी को पता होना चाहिए, आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें ये काम आने वाली चीजें हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पास्कल होता है दोस्तों, 1 एटमोस्फियर इक्वल्स टू 760 mm ऑफ HG भी होता है, 1 बार्न भी होता है एंड 760 टोर भी होता है। वाटर के लिए L फ्यूजन, यहाँ L है लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा, फ्यूजन के लिए लेटेंट हीट होती है 80 कैलोरी पर ग्राम या अगर जूल में लिखें तो 3.36 × 10⁵ जूल पर kg, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वाटर की 540 कैलोरी पर ग्राम या 2.26 × 10⁶ जूल पर kg। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था, एक बार फिर से नोट कर लीजिए कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल। चलिए अब हम 1 by 1 इन सभी प्रोसेसेस को विस्तार से पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट वन इज आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वी कांस्टेंट होता है सम आयतनिक प्रक्रम, यानी कि आयतन कांस्टेंट है नियत है। एक आइसोकोरिक प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी कहते हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं और आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं। आपको अलग अलग राइटर्स की बुक्स में अलग अलग नेम्स मिल सकते हैं। जो एक थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्लोज्ड सिस्टम का वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम तो हो ही नहीं सकता, तो डीवी क्या हो गया हमारा 0। चलिए अब स्टेट इक्वेशन की बात कर लेते हैं। हमारी स्टेट इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, जहां मैंने आपको बताया था कि एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो देखिए अगर PV equals to NRT में V constant है, N और R हम जानते हैं कि पहले से ही constant है, तो यहां से जो हमारा प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के, यानी P प्रोपोर्शनल टू T। अब इस टेम्परेचर को नीचे ले आते हैं तो P अपॉन T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो गया, ये प्रेशर लॉ कहलाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2 इक्वल्स टू P3 अपॉन T3 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस से जो लॉ निकल के आता है दैट इज प्रेशर लॉ। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो यूजुअली जीरो होता है। कैसे, देखिए कि हमारा जो वर्क होता है DW, मैंने आपको बताया था कि हम वर्क डन को PdV प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम लिखते हैं। हमें पता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डीवी जीरो है, तो डीवी जीरो है तो DW भी क्या हो गया हमारा जीरो हो गया। जब वर्क डन जीरो हो गया तो देखिए जो हमारा जूल का या थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है
हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा है, दैट इज डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब क्योंकि हमारा डेल्टा डब्ल्यू हो गया जीरो, तो क्या बचा, डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू, ये आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है। हम फटाफट से देख लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ये डायग्राम बनता है, इसलिए इसे पीवी डायग्राम बोलते हैं। एक सिस्टम है जिसकी प्रोसेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी हो रही है। पी ए इनिशियल प्रेशर है, पी बी फाइनल प्रेशर है, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये काम हो रहा है, तो इसके लिए डेल्टा क्यू हो जाएगा एन सी वी डी टी, डी यू हो जाएगा एन सी वी डी टी, जहां सी वी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये होता है पीवी डायग्राम ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस सम आयतनिक प्रक्रम। चलिए अब देख लेते हैं हम पीटी डायग्राम। तो जैसे पीवी डायग्राम होता है वैसा ही प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो वो पीटी डायग्राम होता है। अब जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि आइसोकोरिक प्रोसेस में जो प्रेशर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। अगर प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाता है तो ये प्रोपोर्शनलिटी का डायग्राम है, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि पीवी एंड पीटी डायग्राम्स दोनों को ही इंटरकन्वर्टेड किया जा सकता है। पीवी डायग्राम इज गिवन, वी कैन कन्वर्ट इट टू पीटी डायग्राम एंड वाइस वर्सा। चलिए हम सेकेंड प्रोसेस पर आ जाते हैं, दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टेंट। अगर P कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर क्या हो गया, जीरो हो गया। चलिए एक बार फिर से स्टेट इक्वेशन पर आ जाते हैं, PV इक्वल्स टू nRT, n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, अभी प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल आ गया, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल आ गया, V अपॉन T इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया। ये होता है हमारा चार्ल्स लॉ। तो आइसोबैरिक प्रोसेस यानी समदाबी प्रक्रम से जो हमारा लॉ बनता है वो है चार्ल्स लॉ। एक बार हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉ की बात कर लेते हैं, डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू होता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब इसमें देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू भी जीरो नहीं है, डेल्टा क्यू भी जीरो नहीं है, डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो नहीं है, तो ये फॉर्मूला अपने ओरिजिनल फॉर्म में आइसोबैरिक प्रोसेस में बना रहता है। बट वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाता है पी वी एफ माइनस वी आई, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो सकता है इसलिए वी एफ माइनस वी आई और प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो पी। चलिए इसका हम पीवी डायग्राम देख लेते हैं। प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर चेंज नहीं होगा, यहाँ ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पर आ गए, बट वॉल्यूम इनिशियल स्टेट में वी आई था, फाइनल स्टेट में वी एफ था, तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया वर्क का वर्क इक्वल्स टू पी वी एफ माइनस वी आई। एन डेल्टा क्यू होता है एन सी पी डी टी, सी पी इसलिए क्योंकि कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, डब्ल्यू हमारा फॉर्मूला होता ही है पी डी वी, पी एन डी वी हो गया ना, चेंज इन वॉल्यूम वी एफ माइनस वी आई, एन डी यू एन सी वी डी टी। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रोसेस की तरफ, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट। इफ टी इज कांस्टेंट एंड चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू जीरो, स्टेट इक्वेशन की बात कर लेते हैं, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, तो पीवी क्या हो गया, पूरा का पूरा कांस्टेंट के बराबर हो गया। ये बॉयल्स लॉ होता है हमारा, यानी समतापी प्रक्रम से हमारा बॉयल्स लॉ निकल कर आता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज जीरो, इंटरनल एनर्जी में चेंज जो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में वो जीरो होता है। इसको कैसे देखेंगे, देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब टेम्परेचर नहीं बदल रहा, अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहा तो मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल प्रोसेस है वो नहीं बदल रही, जो है वैसी ही रहेगी, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया हमारा जीरो। अब हम बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की, फिर से du इक्वल्स टू डेल्टा q माइनस डेल्टा w। अब क्योंकि du जीरो है तो डेल्टा q किसके बराबर हो गया, डेल्टा w के बराबर, तो ये आ गया डेल्टा q इक्वल्स टू डेल्टा w। हम इसका pv डायग्राम देख लेते हैं, pv डायग्राम इसका होता है एक स्लोप के साथ लाइन आती है a टू b, एक प्रोसेस में गए, a पर भी जो टेम्परेचर है वही b पर होगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहां पर p के लिए nRT upon v फार्मूला हो गया, और a से b तक जाने
में कितना वर्क किया वो एरिया होगा जो ये शेडेड एरिया है, एरिया बिटवीन ए टू बी पॉइंट्स एंड द एक्स एक्सिस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का ये फॉर्मूला है W इक्वल्स टू 2.303 एन आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई। नोट डाउन कर लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम वर्क डन निकालते कैसे हैं। तो ये मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ऐसा कोई भी शेडेड एरिया का, शेडेड पार्ट का हमें एरिया निकालना होता है तो हम एक पार्शियल स्ट्रिप लेते हैं, हम उस एरिया को निकाल लेते हैं और फिर उसका सम या इंटीग्रल कर देते हैं, जिससे हमारे पास पूरे एरिया के लिए, पूरे शेडेड एरिया के लिए हमारा जो है टोटल एरिया निकल के आ जाता है। तो ऐसा ही हम यहां भी करते हैं, जिससे हमारा वर्क हमें मिलता है एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन या डब्ल्यू इक्वल्स टू एन आर टी एल एन पी टू अपॉन पी वन, पी वन अपॉन पी टू, सॉरी। ये दोनों ही फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो P है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में Q जीरो होता है। अब Q जीरो है तो चेंज इन Q, डेल्टा Q भी जीरो होगा। डेल्टा Q जीरो होगा तो एक बार हम फर्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं, दैट इज डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। डेल्टा Q हो गया हमारा जीरो, तो डेल्टा U इक्वल्स टू माइनस डेल्टा W, ये रहा डेल्टा U इक्वल्स टू माइनस डेल्टा W। इसकी स्टेट इक्वेशंस ये तीनों ही होती हैं और तीनों ही हमें काम में लेनी है। ये कहां से आई, इसका डेरिवेशन मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर की सीरीज में जरूर करवाऊंगी। पी वी रेस टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, टी वी रेस टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, पी वन माइनस गामा टी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये तीनों इक्वेशन हम एडियाबेटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष्म प्रक्रम में काम में लेते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम को हम सम एंट्रोपिक प्रक्रम, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये आता है इसका पीवी डायग्राम, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच डायग्राम। इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू दी आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ गामा एक रेशियो आएगा विच इज सीपी अपॉन सीवी, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस का रेशियो। इसका डेरिवेशन भी हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। सो द लास्ट वन इज साइक्लिक प्रोसेस। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इन विच वन प्रोसेस एंड्स एंड अदर वन स्टार्ट्स। जब एक प्रोसेस एंड होती है और दूसरी स्टार्ट हो जाती है उसी समय, तो जो हमारा प्रक्रम बनता है वो चक्रीय प्रक्रम होता है, साइक्लिक प्रोसेस होती है। इसमें इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो गई। अब फर्स्ट लॉ पर आ जाते हैं, जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही जीरो है तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू हो गया हमारा डेल्टा डब्ल्यू। और देखिए ये साइक्लिक प्रोसेस है, आई टू एफ गए प्रोसेस नंबर वन, वर्क हुआ डब्ल्यू वन। जब हम F टू I रिटर्न गए तो प्रोसेस नंबर टू, वर्क हुआ W2। अब ध्यान रखने वाली बात, इफ W2 इज ग्रेटर देन W1 तो ये ऊपर वाला एरिया हो गया, व्हेन W2 इज लेस देन जीरो तो ये, एंड व्हेन W1 इज ग्रेटर देन जीरो तो ये एरिया। तो आपको जो भी वर्क निकालना है उसका एरिया आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि इन साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिप्रेजेंट वर्क डन पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क हुआ है तो ये वर्क होता है पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क हुआ है तो ये होता है नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अब हम कर लेते हैं, हमने पांचों प्रोसेसेस पढ़ ली हैं, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ आप इन्हें खुद से करने की भी कोशिश करिए, और इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद इस इनको बिना देखे करने की कोशिश कीजिए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर वन है, पढ़ते हैं चलिए। इन ए सिलेंडर विथ पिस्टन 0.2 मोल एयर इज फिल्ड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, पिस्टन इज पुल्ड अप स्लोली, इफ फाइनल वॉल्यूम इज डबल ऑफ इनिशियल वॉल्यूम देन द वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी। एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है और 27 डिग्री पे 0.2 मोल एयर, और पिस्टन को हम धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं, यानी गैस एक्सपांड हो रही है। गैस एक्सपांड हो रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का डबल हो गया, ये गिवन है। तो हमें निकालना है वर्क डन। तो आप भी ट्राई कीजिए और मैं यहां पर आपको बताती हूं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा।
तो देखिए, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, हमारा W का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल P dV, इंटीग्रल लगा दीजिए VI टू V F इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम। P को हम और क्या लिख सकते हैं, NRT अपॉन V भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहीं पे कर लेते हैं, P को लिख दिया NRT अपॉन V dV, V फाइनल टू V इनिशियल टू V फाइनल। ठीक है, अब N R और T तीनों ही वैल्यूज हमारी हैं कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएंगी, यानी 1/V का इंटीग्रल होगा। तो N R और T बाहर आ गया, 1/V का इंटीग्रल आप सभी जानते होंगे, log V होता है, लिमिट लगा दी तो V F अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो कि अपॉन में आ जाएगा V F माइनस V I। हमें N की वैल्यू गिवन है 0.2 मोल, R की वैल्यू 8.3, गैस कांस्टेंट होता है R, T की वैल्यू गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, हम इसे कैल्विन में चेंज कर लेंगे, log V F जो कि 2 × VI है, तो चलिए रख लेते हैं 0.2 × R हो गया 8.3, और इंटू टी हो गया 27 + 273 300 केल्विन, और लॉग V2/V1 क्या आ गया आपका 2, क्योंकि वी एफ जो है वो डबल है वी आई के, तो ये आ गया 2। तो जब इस सब को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 345 जूल, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, एडियाबेटिकली कंप्रेस हो रही है रुद्धोष्म रूप से, इट्स वॉल्यूम इज 8/27 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, इसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम का 8/7 पार्ट है। इफ गामा इज 5/3, गामा की वैल्यू दे रखी है, देन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में इंक्रीज हमें बताना है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, देखिए इसको कैसे करेंगे। हमें पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं जो मैंने आपको स्टेट इक्वेशन बताई थी, γ-1। गामा की वैल्यू आपके पास गिवन है और हमें सिंपल निकालना है T2 की वैल्यू, तो T2 को इधर ही रहने देते हैं, T1 को इधर ले जाइए, V1/V2 की पावर γ-1, T1 फाइनल वॉल्यूम इज, अच्छा V2/V1 दे रखा है, फाइनल वॉल्यूम इनटू फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, और इसमें टेम्परेचर नहीं दे रखा। जब किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर ना दे रखा हो तो हम उसे रूम टेम्परेचर पर मानते हैं, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड मानकर ये क्वेश्चन करना है। तो T1 हो गया 300 केल्विन, V1/V2 यानी 27/8 हो गया, गामा की वैल्यू है 5/3 एंड दिस -1, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 675 केल्विन, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बता रही हूँ, बहुत ही 2 या 3 लाइनों में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, बहुत सिंपल से स्टेप्स में, ध्यान से पढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ दीज प्रोसेसेस द चेंज इन एंट्रोपी जीरो, चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगी इसका मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, यानी आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। तो बताइए कौन सी प्रोसेस है जो आइसो एंट्रोपिक होगी, तो वो होगी अपनी एडियाबेटिक प्रोसेस, ऑप्शन सी इज राइट। ओके नेक्स्ट, फोर्थ वन, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गैस एक्सपांड्स 0.25 मीटर क्यूब। कॉन्स्टेंट प्रेशर दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और गैस का एक्सपांशन होता है 0.25 मीटर क्यूब तक, तो वर्क डन विल बी
तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमें ये फॉर्मूला लगाना है पी डेल्टा वी। पी हमको दे रखा है 1000 एंड डेल्टा वी भी दे रखा है क्योंकि गैस एक्सपांड हो गई है यानी वॉल्यूम में हमारा चेंज हुआ है, तो 0.25। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 250 जूल बी। और वैसे हमें वर्क डन पूछा है तो ऑब्वियसली आप ये पता लगा सकते हैं, ऑप्शन से देख लीजिए। ऑप्शन सी वाट, वाट तो पावर की यूनिट होती है, वर्क की होती नहीं है, यानी ऑप्शन सी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी न्यूटन, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, वर्क की नहीं होती, तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। अर्ग, अर्ग एनर्जी की यूनिट होती है और जूल भी एनर्जी की यूनिट होती है, वर्क की भी यूनिट हो सकती है, तो हमें ऑप्शन ए और बी में से ही पता लगाना था जो कि हमारा आ गया ऑप्शन बी जब हमने इसको सॉल्व कर लिया। और ये आज के वीडियो लेक्चर से आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप इन क्वेश्चंस को कीजिए और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताएं। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, वील मीट सून। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैंने मेल आईडी लास्ट वीडियो लेक्चर में दे दिया है। थैंक यू।